प्रिय बंधुओं, प्रिय भक्तों, हमारा भारत भूमि पे बहुसंख्यक हिंदू समाज, कुछ लोग षड्यंत्रकारी भारत के अंदर में तांडव जैसी वेब सीरीज बना रहे हैं और एक हिंदुओं का मजाक बनाने के लिए ऐसे लेख दुष्टों को चाटा लगना चाहिए। जो भी हिंदू कहीं मिले तो ऐसे व्यक्तियों को तुरंत चाटा लगाइए, हैं? ऐसे लोग जब तक चाटा नहीं लगेगा तब तक इनको डांटने से काम नहीं चलेगा, इनको चाटा लगना है। डांटना बहुत हो गया, अब चाटा लगेगा। तो हिंदू समाज बहुसंख्यक है तो इसका मजाक बनाने का कुछ विदेशी जो षड्यंत्रकारी है उनसे पैसा लेकर ऐसी वेब सीरीज बना रहे हैं। तांडव जो है भगवान शिव का आराधना है, उपासना है। तांडव शब्द जो है पवित्र है। वैदिक सनातन हिंदू धर्म के लिए तांडव शब्द जो है वो उपासना पद्धति का अंग है और हम प्रतिदिन उसका जो है स्तुति करते हैं। और ऐसे पवित्र जो है जो उसके ऊपर में इन लोगों ने इस तरह से जो है ये एक तरह से संपूर्ण हिंदू समाज को जो आघात पहुंचाने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए ऐसे षड्यंत्रकारियों को, दुष्टों को जो है उनको जब तक चाटा नहीं लगेगा तब तक डांटने से काम नहीं चलेगा। विशेष रूप से ये हमारे जब से योगी जी और मोदी जी जो देश के राजनीति में आए हैं तब से इन लोगों को एक ही भाव है मन में कि इनका जो लोकप्रियता घट जाए और ये जो है दुष्ट प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनको राष्ट्रवाद का स्वाद अच्छा नहीं लग रहा है। जो राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव होकर कार्य कर रहे हैं, भारत को उत्थान लगे हुए हैं, भारत को विश्वगुरु के स्थान पर स्थापित करने में लोग लगे हुए हैं, ऐसे लोगों का अपमान करना और जो हिंदू बहुसंख्यक समाज है, हिंदू समाज उसका एक अपमान करना, अल्पसंख्यक समाज द्वारा ऐसा अपमान करना, ऐसे दुष्टों को दंडित होना चाहिए। तो निश्चित रूप से सभी हमारा जो भारत साधु समाज है, अखाड़ा परिषद है, हम लोग सबका मत है कि ऐसे लोगों को जब तक चाटा नहीं लगेगा तब तक जो है ये लोग ऐसे ही आश्रम तांडव ऐसी सीरीज बनाते रहेंगे। तो ऐसी दुष्टों को निश्चित रूप से आप लोग सबको दंडित करना है और हमारा सभी लोगों से विशेष रूप से हिंदू समाज से निर्देश है कि इस बार जो है एक चाटा जो है जोरदार इनको लगाना है। हर हर महादेव, जय हो।